वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आओ बनिए गुरसिक प्यारा दे इस एपीसोड दे विचकार असी दर्शकों का स्वागत करते हैं। दर्शको, जिथे असी प्रश्न उत्तर लैके तुहाडे कोल आने हां, इतिहास की जानकारी इन्हां राहीं पेश करते हाँ, महान शख्सियतों बारे आप जी नूं उन्हां दी दृढ़ता कराने हां। उस दे नाल नाल मेरे को एंकर वीर हरजिंदर सिंह हों या मैं हूँ, किसी न किसी सुनेहे नूं तुहाडे नाल सांझा जरूर करी। इन्हां दिनां च खालसे दा सरजना दिवस, भारत के अंदर सैकड़े सालां दीआं जिहड़ीआं विदेशी हमलावरों करन तों बाद विदेशी हमलावरों वल्लों भारत के लोगों नूं गुलामी दी जंजीरां च बन्न लैणा और उस तों बाद उन्हां दी आत्मा उन्हां दे शरीर इन्हां नूं कमजोर कर देना, इह समाज नूं कित्थों तक दीवा लै। गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह ने उस खालसे नूं प्रकाशमान किया, उसकी सजना की जड़ा किसे तो डरता गुरु के पौच रहता है। और इस बाणी की तुक दे नाल जुड़ता है कि सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के। और ये जड़े शब्द ने इन्होंने हर सिख के जीवन के अंदर पा दिए और ये खालसे की सरजना आनंदपुर साहब की धरती पर की 1699 विसाखी वाले। खालसा सज गया, समाज के अंदर क्रांति आ गई, लेकिन गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने जीवन काल से कहा कि जब तक तुसी रहत के नेड़े रहोगे, तुसी गुरसिखी के सिद्धांतों के नेड़े रहोगे, उदों तक ही तुहाडी मेरा रिश्ता बनिया रहेगा। तो सानू गुरु शब्द नाल, गुरु ग्रंथ साहिब नाल गुरु साहिबान ने जोड़िया है और ये खालसे का सजना दिवस जिन्हों असी विसाखी भी कहते हैं, सानू समाज के अंदर इस जागृति लई मनाना ते दसना चाहिए। हुण वधांगे अपने रोल ओवर प्रतियोगी सोनिया कौर जी दे नाल, जिहड़े कि पिछले हफ्ते दे साडे रोल ओवर प्रतियोगी ने। तो सोनिया कौर जी, जी आयां नूं वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तो सोनिया कौर जी, तुहाडी इंट्रोडक्शन साडे व्यूअर दे नाल ऑलरेडी होई है, तुसीं जमशेदपुर तों हैगे, जिहड़े व्यूअर साडे नाल अज जुड़े ने उन्होंने दसना चाहवांगे सोनिया कौर जी जमशेदपुर तों साडे नाल ने और इन्होंने पिछले हफ्ते 6 प्रश्नों के उत्तर देते सन और अगे वधे सन। एक लाइफलाइन ने इस्तेमाल की है, एक इन्हों को अजे भी पाई एक्सपर्ट एडवाइस और असी हुण वधांगे इन्हों नूं प्रश्नों की लड़ी देण वाल। तो की आप सोनिया कौर जी तैयार हो? अगला प्रश्न आप जी की स्क्रीन। साबका राष्ट्रपति बराक ओबामा ने 2015 विच किस नूं व्यापार नीति अते गलबात लई सलाहकार कमेटी का मैंबर नियुक्त किया सी? तुहाडियां ऑप्शनस ने ए हरजीत सिंह, बी मोहिंदर सिंह, सी अजय पाल सिंह, डी गुरजिंदर सिंह। हाँ जी, मैं लाइफलाइन लेना चाहूंगी। लाइफलाइन समारोह दिता गया आज साढ़े नाल जुड़े ने सरदारनी बलप्रीत कौर जी दिल्ली तो, जेडे कि SS मोहता सिंह स्कूल के अंदर साइंस टीचर ने, वो साढ़े नाल जुड़े ने। तुसी देख रहे हो कि सोनिया कौर जी जेडे कि जमशेदपुर तो साढ़े नाल जुड़े हुए ने, उन्हों का प्रश्न भी तुहाडे सामने है और ऑप्शन भी थले नाल तुहाडे सामने ने। आप इन्हां नूं गाइड करो कि इन्हां नूं केड़ी ऑप्शन नाल जाना चाहिए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। US प्रेसिडेंट बराक ओबामा दी एडवाइजरी कमेटी ट्रेड पॉलिसी एंड नेगोशिएशन 2015 विच जिस सिख मेंबर नूं नियुक्त किया गया है उन्हां दा नाम है सरदार अजय पाल सिंह जी। सोनिया कौर जी, बलप्रीत कौर जी कह रहे ने कि तुहानूं ऑप्शन सी नाल जाना चाहिए, कि आप जी उन्हां नाल सहमत हो? हाँ जी बिल्कुल, एक्सपर्ट नाल जाना चाहूंगी। तुहाडा उत्तर बिल्कुल ठीक है। हुण इस तरह है कि सोनिया कौर जी साडा धन्नवाद करना बनता है बलप्रीत कौर जी दा। हाँ जी, बहुत बहुत धन्नवाद तुहाडा, तुसी इस
प्रोग्राम विच अग्गे मैनू वधन विच गाइड किया। बहुत बहुत धन्यवाद तुहाडा। आओ बनिए गुरसिख प्यारा प्रोग्राम, बहुत ही वधिया प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के नाल सानू सब नू सिक्खी दी जानकारी मिल रही है। मेरी परमात्मा अग्गे अरदास है यह प्रोग्राम इसी तरह वधदा रहे और चढ़दी कला ते रहे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने भी किया, प्रतियोगी ने भी, मैं भी कर रहा कि इस तरह ही आओ बनिए गुरसिख प्यारा ते व्यूअर बन के तुसीं लगातार साडे जुड़े रहो और इस तरह ही तुहानूं असीं कदी कदी सेवा लैंदे रहांगे। हुण वधांगे अठवें प्रश्न वाल। सोनिया कौर जी, तुहाडे दी स्क्रीन। अगला है ऑडियो क्वेश्चन, यानी कि आप जिहनूं किसी सिख विद्वान की आवाज सुनाई जाएगी, आपने पहचान करनी कि आवाज किन्हां दी है। ऑडियो क्लिप ऑन की जा रही है, बड़े ध्यान नाल सुनो। कृपान दे उत्ते झगड़ा खड़ा कर और माफ करना, मैं उस तो पहला अपनी किताब लिख के दे दी सी भी कृपान दा जिहड़े आर्टिकल 25B आ उस दे विच कृपान दा अधिकार दिता गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन च, सिर्फ सिख नूं दिता, ना हिंदू नूं दिता, ना मुसलमान नूं दिता, ना जैनी नूं दिता, ना बोधी नूं दिता। पढ़ के दा देखो। तुहाडी ऑप्शनस ने डॉक्टर करमिंदर सिंह, बी भाई साहिब सिंह, सी डॉक्टर गुरदर्शन सिंह, डी हिस्टोरियन सुखप्रीत सिंह उदित। सी गुरदर्शन सिंह ढिल्लो। ऑप्शन सी नु लॉक करके देखते हैं कि तुम्हारा उत्तर ठीक है कि नहीं। इज राइट आंसर, बिल्कुल ठीक उत्तर तुम दिता है डॉक्टर गुरदर्शन सिंह जी, जेडे कि तुम समय समय के उत्ते सोशल मीडिया से भी इन्हों के लैक्चर सुनते रहते हो गए और काफ़ी प्रसिद्ध लेखक भी ने और इतिहास में और खास करके विशेष करके सिख इतिहास के बारे बहुत अच्छी जानकारी आप भी रखते हैं और लोगों को भी बढ़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हूँ बतांगे आप जी ने इस एपीसोड के विचकार टाइटल का आखिरी प्रश्न तुहाडी स्क्रीन उत्ते। पाकिस्तान में पहला सिख पंजाबी प्रोफेसर कौन है जिन्हों से लहिंदा पंजाब कहते हैं? तुहाडी ऑप्शन ने ए कल्याण सिंह, बी कमल सिंह, सी महान सिंह, डी हरप्रीत सिंह। ए कल्याण सिंह। ए कल्याण सिंह लॉक कर दिया। देखते हैं कि सोनिया कौर जी इस टाइटल नू इथों दी विन करके जा रहे ने कि नहीं जा रहे। और सोनिया कौर जी तुसी इस टाइटल नू जे तुसी किते कहंदे कमल सिंह, जे तुसी कहंदे हरप्रीत सिंह, जे तुसी कहंदे महान सिंह, तो शायद इस टाइटल नू तुसी आखरी सवाल ते आके गवा बैठते, जिहड़ा कि तुसी हुण जित लिया है कल्याण सिंह उत्तर दे के। और तुसी आओ बनिए गुरसिख प्यारा दे टाइटल होल्डर बन गए हो, प्राइज विनर हो गए। प्राइज तो सारे नू मिलता है लेकिन टाइटल दा तुहानू मान प्राप्त होया है। सोनिया कौर जी कैसा महसूस हो रहा तुहानू इस वेले? हाँ जी, बड़ा ही अच्छा लग रहा वे, बड़ा ही प्राउड फील हो रहा वे। वाहेगुरु की बख्शिश हो। हाँ जी, सारिया ने बड़े ही एहदे विच सानू सहयोग दिता वे, पूरी टीम ने ते नाल ही साड़ी पूरी मेरी फैमिली ने, मेरी बेटी ने, सब ने बड़ा ही सहयोग दिता वे। हाँ जी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਔਰ ਅਵਾਰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਉਸ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਸਿਮਕੋ ਦੇ ਜਿਹੜੇ CEO ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੱਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਸਿਮਕੋ ਵੱਲੋਂ ਗਿਫਟ ਟੈਂਪਰ ਹੈ, ਵਾਈਬਰ TV ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਫਰੈਗੋ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਟ ਕਰਨਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਦਾਇਗੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਬਣੀਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਆਓ ਬਣੀਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ, ਆਓ ਬਣੀਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਹਨ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਸਦਾਨਾ ਟਾਟਾ ਨਗਰ ਤੋਂ,
जी आयां नूं मनजीत कौर जी सदाना जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मनजीत कौर सदाना फ्रॉम टाटा नगर जमशेदपुर झारखंड, होम मेकर, पोस्ट ग्रेजुएट इन कॉमर्स। गुरबाणी का फरमान है, मैं गुरबाणी आधार है गुरबाणी लाग रहा दे महावाक अनुसार बचपन तो ही मेरी रुचि गुरबाणी वाले पासे रही है। गुरबाणी पढ़ना, सुनना, विचारना, कीर्तन करना, गुर इतिहासिक स्थानां दे यात्रा करना, उत्थों दे औरे नूं फील करना मैनूं अच्छा लगता है। घर परिवार का ध्यान रखते हुए इस शो दे नाल जुड़ के मैनूं सिख अचीवर्स बारे, अपने इतिहास बारे बहुत नॉलेज मिली है। जिस तरह साडे पेरेंट्स ने सानू बचपन तो ही इस पासे जोड़िया है, उसी तरह साडा भी फर्ज बनता है कि असी भी अपने बच्चों नू शुरू तो ही गुरमुखी, गुरबाणी, गुरी इतिहास नाल जोड़िए, क्योंकि जो कौमां अपना इतिहास याद रखदियां हन ओह ही इतिहास दे पन्नियां ते सदा लई अमर हो जांदियां हन। बच्चों के नाल नाल साढ़े अपने बजुर्गों के प्रति भी कुछ फर्ज हैं, उन्हों का भी असी अच्छी तरह पालन करना है। सच्चे पातशाह साढ़े सब के सिर पर मेहर भरिया हाथ रखन जी। धन्यवाद जी। मनजीत कौर सदाना जी, इतों की प्रतियोगिता शुरू कर जा रहे हैं। रूल आपको ब्रीफ से दस रहे हैं। अंदर टोटल 9 प्रश्न ने, पहले पांच, दूजे चार, और पांच प्रश्न के लिए 45 सेकेंड और दूजे 60 सेकेंड है। एक दो लाइफलाइन ने, पहले विकार एक्सपर्ट डिवाइस, सैकेंड विकार 50-50। हुण वधांगे सवाल जवाब वल। पहला सवाल आप जी दी स्क्रीन। हां जी, आई एम रेडी। गुरु ग्रंथ साहिब जी विच समुचे तौर ते केड़ी मर्यादा दी पालना कीती गई है? तुहाडियां ऑप्शंस ने ए रहाओ, बी नानक पद, सी महला, डी ईसाई। हाँ जी, रहाओ, महला, नानक पद सारे ही आते हैं गुरु ग्रंथ साहिब विच। ए सारे डी ऑप्शन। आई विल गो विद डी ऑप्शन। ऑप्शन डी नू लॉक करके देखते हैं कि कंप्यूटर जी की दसते ने सन। बिल्कुल ठीक, श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच समुचे तौर पर जिहड़ी मर्यादा की पालना हुई है वह रहाओ की, नानक पद की, महला की जिहड़ी है ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਬ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦੀ ਆਧਾਰ। ਇੱਥੇ ਲਵਾਂਗੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ। ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਆਡੀਅੰਸ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈਗਾ। ਆਪ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਆਓ ਬਣੀਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੇ 15 ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਪਹਿਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚਿੱਤਰ, ਨਾਮ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੋ ਦਰਸ਼ਕੋ ਬ੍ਰੇਕ 'ਚ ਕਿਤੇ ਜਾਇਓ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਕੋ ਐਂਕਰ ਵੀਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਸਦਾਨਾ ਜੀ ਨਾਲ ਅੱਗੋਂ ਖੇਲਣਗੇ। ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਅੰਤਰਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ। ਆਓ ਬਣੀਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰ। ਰਫਤਾਰ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਹਿਣ ਦੀ। ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਦੀ। ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਹਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ, ਤੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮਿਲਦਾ ਸਿਮਕੋ ਤੋਂ। ਸਿਮਕੋ ਸੁਪਰੀਮ ਹੇਅਰ ਫਿਕਸਰ, ਸਿਮਕੋ ਕਲਾਸਿਕ ਹੇਅਰ ਫਿਕਸਰ। ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਨ ਵਾਲਾ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸਾਥੀ, ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਅਨੇਮ, ਯੂ ਕੈਨ ਰਿਲਾਈ ਅਪੌਨ ਸਿਮਕੋ। Sameer! Wow! Just point and move! Specialist LED TV. Smart features ke saath. Bhai mehenga hoga. Khud dekh le. Hey! Behtareen picture, stylish design, 3 saal ki warranty. Viber, the LED TV specialist. When it's about style, it's Simcoe. Simcoe Swift Power Hair Spray in Mega Strong, System Professional and Ultra Strong. Simcoe Swift Power Hair Spray. Style begins with it. Sadi Maa Boli Punjabi, Pad Punjabi, Likh Punjabi, Gairat Manda,
बोल पंजाबी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। टुडेज ऑडियंस क्वेश्चन इज, विच यूनिवर्सिटी हैज साइंड एन एमओयू विद सेंट्रल सिख गुरुद्वारा बोर्ड सिंगापुर फॉर एस्टेब्लिशिंग ए विजिटिंग प्रोफेसरशिप इन सिख स्टडीज? आप जी अपने जवाब स्क्रीन पर लिखे प्रोसीजर अनुसार सानू भेज सकते हो। धन्यवाद जी। वेलकम बैक, निघा स्वागत है साडे सारे प्यारे ते सूझवान दर्शकों का। आओ बनीए गुरसिख प्यारा कुछ शो दे 25वें सीजन दे 8th एपीसोड। ब्रेक तो पहले मेरे को एंकर सरदार गुरमोहन सिंह जी दे नाल मनजीत कौर सडाना जी जमशेदपुर तो जुड़े हुए सन ते उन्होंने एक क्वेश्चन का जवाब देता सी। दूसरा क्वेश्चन लैके असी हुण उन्हां वल वधांगे। सदारनी मनजीत कौर जी, असी उम्मीद करदे आ कि आप जी रेडी। हां जी, हां जी, हां जी। सेकंड क्वेश्चन ऑफ द गेम, नाउ ऑन योर स्क्रीन। इतिहास विच उस घर नूं किस नाम नाल जाणिया जांदा है जो गुरु रामदास जी द्वारा अमृतसर विखे बढ़ाया गया सी? By which name the house built by Guru Ram Das Ji at Amritsar is remembered in history? Aap ji de options, Gurdwara Guru Ke Bagh Sahib, B Gurdwara Guru Ke Mahal Sahib, C Gurdwara Goindwal Sahib, ya D Gurdwara Chauthi Patshahi Sahib? Haan ji, I will go with option B, Gurdwara Guru Ke Mahal Sahib, Guru Ke Bazaar Amritsar vich hai ji। फ्रॉम भगत कबीर जी श्लोका। भगत कबीर जी दे श्लोका विचो अगली गुरबाणी तो पूरी करो। आप जी नूं एक ऑडियो प्ले हुण सुनाया जा रहा है, प्लीज ऑडियो प्ले ऑन कीता जाए। कबीर साधु संग प्राप्ति लिखिया होए ललाट, मुक्त पदार्थ पाईए ठाक न आव कट काट। ਪਰ ਆਫ ਮੂਮੈਂਟ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਜਵਾਬ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੁਕਤ ਪਦਾਰਥ ਪਾਈ ਹੈ ਠਾਕ ਨਾ ਅਵਗਟ ਘਾਟ। ਇੱਕ 231ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਸਲੋਕ ਹੈ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਸਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਾਇਨ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਇਆ। ਵਧਾਂਗੇ ਫੋਰਥ ਕੁਐਸਚਨ ਆਫ ਦੀ ਗੇਮ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਕਰੀਨ। What is the meaning of highlighted word in the following Gurbani verse? Gurbani di heth likhi tuk vich ujagar hoye shabd da ki arth hai? Aap hi dharan dhare, kudrat hai dekhare, varan chain nahi, mukh na masare. Is de vich masare lafaz jehda hai oh highlighted hai, ujagar hoya hai, us da arth aap ji ne dasna hai heth likhiyan options cho select। ए मच्छर मस्किटो, बी मछुआरा फिशरमैन, सी दाढ़ी बियर्ड, डी मिस्त्री वर्कर। हाँ जी, हाँ जी, आई विल गो विद ऑप्शन सी दाढ़ी। आप जी ऑप्शन सी नाल जाना चाहते हो ते अगर आप जी दा फाइनल आंसर है तो असी इसनूं लॉक कर दे हां जी। हाँ जी, हाँ जी, सी दाढ़ी। ਬੀਅਰਡ ਦਾੜੀ ਨੂੰ ਲਾਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜੀ, ਔਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਜਵਾਬ ਆ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ,
ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ ਸੋ ਵਧਾਂਗੇ ਫਿਫਥ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਦਾ ਵਿਮੈਨ ਸਿੱਖ ਅਚੀਵਰ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀ ਅਚੀਵਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹਾਂਜੀ ਇਮੇਜ ਔਰ ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਆਪਸ਼ਨਸ ਏ ਹਰਲੀਨ ਕੌਰ ਬੀ ਲਵਲੀਨ ਕੌਰ ਸੀ ਸੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜਾਂ ਡੀ ਮਨਮੀਤ ਕੌਰ ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਆਈ ਵਿਲ ਗੋ ਵਿਦ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹਰਲੀਨ ਕੌਰ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਅ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਜਵਾਬ ਏ ਹਰਲੀਨ ਕੌਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ information C of course she is an Indian cricketer she went viral in July 21 after performing an acrobatic catch while avoiding the boundary rope during the 2020 series against England vadange ji toda level 1 cross ho gaya hai isliye aap ji nu sade sponsors valo sadi sari team valo bahut bahut mubarakah second level wal assi proceed kar rahe han ji ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਕਸਥ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਇਨ ਵਿਚ ਈਅਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਡਿਸਾਈਡਿਡ ਟੂ ਬਿਕਮ ਏ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸ ਸਾਲ ਸਿੱਖ ਬਣਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਏ 1917 ਬੀ 1906 ਸੀ 1892 ਡੀ 1918 ਵੀਰ ਜੀ ਆਈ ਵਿਲ ਗੋ ਵਿਦ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ 1906 1906 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਵੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛੱਕਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਲਸੀ ਰਾਮ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰੈਂਡ ਦਾ ਸੋ ਆਈ ਵਿਲ ਗੋ ਵਿਦ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ 1906 ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ 1906 ਆਪ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਠੀਕ ਹੀ ਆਉਣਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੈਵਨਥ ਕੁਐਸਚਨ ਆਫ ਦੀ ਗੇਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ 2021 ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਨੂੰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਏ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੰਡਾ ਸਿੰਘ ਬੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਡੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਆਈ ਵਿਲ ਗੋ ਵਿਦ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਪੂਰਥਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀਤ ਅਕੈਡਮੀ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੌਪ 106 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੋ ਆਈ ਵਿਲ ਗੋ ਵਿਦ ਬੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੌਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਜਵਾਬ ਹੈ 8th ਕੁਐਸਚਨ ਆਫ ਦੀ ਗੇਮ ਨਾਉ ਔਨ ਯੂਅਰ ਸਕਰੀਨ ਸਰਦਾਰਨੀ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਆਡੀਓ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਦਾ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੀ ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀ ਭਾਈ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜ਼ਖਮੀ ਜਾਂ ਡੀ ਭਾਈ ਸੁਰਜਨ ਸਿੰਘ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਆਈ ਵਿਲ ਗੋ ਵਿਦ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਭਾਈ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜ਼ਖਮੀ ਜੋ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜ਼ਖਮੀ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਹਨ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਪਾਸ ਲਾਈਫ ਲਾਈਨ ਵੀ ਪਈਆਂ ਅਗਰ ਆਪ ਜੀ ਕੰਫੀਡੈਂਟ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੌਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਾਈਨਲ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ
हाँ जी वीर जी सी ऑप्शन नु लॉक कीता जाए जी प्लीज। और ये बिल्कुल ठीक जवाब आ गया, बहुत बढ़िया जी, बहुत मुबारक आप जी। लास्ट क्वेश्चन वाल पुज गए हो टाइटल विनिंग दे, सो साडे दर्शक भी घर बैठे बहुत आनंदित हो रहे हैं और वो भी विश कर रहे होंगे कि आप जी आज इतना टाइटल विन कर सको। नाइन्थ क्वेश्चन ऑफ द गेम इज नाउ ऑन योर स्क्रीन। विच सिख इज द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर फॉर मेकिंग पेंटिंग्स एंड पोर्ट्रेट्स ऑन आमंड्स। बादाम ते पेंटिंग अते पोर्ट्रेट बनाने लई गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड धारक केड़ा सिख है? आप जी दे ऑप्शन सुन आप जी दी स्क्रीन ते। ए अमन सिंह, बी अनमोल सिंह, सी अर्शदीप सिंह या डी अमोल सिंह। केड़ी ऑप्शन आप जी नु ठीक लग रही है? हां जी वीर जी, ए अमन सिंह लग रही है, लेकिन आई वांट टू टेक लाइफलाइन एक्सपर्ट एडवाइस। आप जी लाइफलाइन लेना चाहते हो एक्सपर्ट एडवाइस, सो आज साडे नाल एक्सपर्ट एडवाइस लई दविंदर कौर जी जुड़ रहे हैं सरी कैनेडा तो। मैं उन्होंने रिक्वेस्ट करांगा दविंदर कौर जी नू कि आप जी नू और इस क्वेश्चन का ठीक जवाब दस के इतों आज टाइटल विन करा सकते हैं। सो दविंदर कौर जी आया नू प्लीज़। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। मनजीत कौर जी थोड़ी क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए है, तुसी ऑप्शन ए अमन सिंह जी नाल अगे वध सकते हो। मैनू पूरा यकीन है तुसी इधरों ये टाइटल जीत के जाओगे। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। स्थानी मनजीत कौर जी दविंदर कौर जी का कहना है कि आपनू ऑप्शन ए नाल ही जाना चाहिए है, जो आप भी सोच रहे सो ऑप्शन ए बारे कि दिस इज द करेक्ट आंसर। सो अगर हुण आप जी का कॉन्फिडेंस लैवल वध गया है तो असी दसो किस तरह करिए, लॉक करिए इनू। हाँ जी वीर जी, लॉक ऑप्शन ए अमन सिंह गुलाटी। असी लॉक कर दें ऑप्शन ए अमन सिंह प्लीज, एंड इट्स ए करेक्ट आंसर। बहुत बहुत मुबारक आप जी नू, आपने पूरा जिहड़ा प्ले किया है परफॉर्म किया है दैट वॉज एक्सीलेंट, वेल डन। और असी नाल ही धन्यवाद कर लीए दविंदर कौर जी का जिन्होंने आपनों इस लास्ट क्वेश्चन दे विच मदद की है। थैंक यू सो मच दविंदर कौर जी, आप जी सरी तो साढ़े नाल जुड़े, शो की शोभा बधाई। थैंक यू, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। सो आप जी इस मौके पर की कहना चाहोगे? सदारनी मनजीत कौर जी आप जी ने टाइटल विन किया है टाटा नगर जमशेदपुर तो, आप जी सिलेक्ट होए सो और शो के नाल जुड़े प्लीज। सच्चे पातशाह वाहिगुरू जी का कुटान कोर शुकराना जिन्होंने कि इस शो के हिस्सा लैन का अवसर भी बख्शिया, आप ही खलो के विच करता पुरख खलोआ वाल ना विंगा होआ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। थैंक यू जी, आप जी ने साड़ी टीम नू कंप्लीमेंट्स दिते और आप जी दी ये मेहनत सी कि आप जी इतों सक्सैसफुल होए हो अकाल पुरख की मेहर सदका। असी आप जी नूं प्यार ते सत्कार देने लई बेनती कर रहे हाँ। सरदार अपिंदर सिंह जी गुरु नानक लाइब्रेरी रजिंदर नगर न्यू दिल्ली तो साढ़े नाल जुड़ रहे हैं, ते नाल ही साढ़े टीम मैंबर सरदारनी सरोज कौर जी आप जी नूं सिमको वालों वाइबर टीवी और फ्रैबो वालों गिफ्ट एम्पर ते कैश प्राइज दे रहे हैं, प्लीज एक्सेप्ट। आओ बनिए गुरसिख प्यारा, आओ बनिए गुरसिख प्यारा, आओ बनी। असी अपने व्यूअर्स को आज इत्थे इजाजत लवांगे इस उम्मीद नाल के अगले हफ्ते आप जी इसी समय इसी चैनल पे फिर इस शो दे नाल जुड़ोगे ते नवे कंटेस्टेंट्स नूं व्यू करोगे जेडे कि नेक्स्ट लाइनअप होंगे। सो YouTube से साढ़े आज तक के सारे एपिसोड्स अवेलेबल हैं, आप भी अपने सारों सुझाओ सानू Facebook पेज पर दे सकते हो, वैबसाइट पर विजिट करके लेटेस्ट सिलेक्शन टेस्ट बारे इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद, रब रखा, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह।